कोरोना संक्रमण मरीजों के आंकड़ों में विदेशी मीडिया का एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। एक तरफ देश में कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है, संक्रमण दर 10% से नीचे है, तो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का दावा है कि असल मामलों का आंकड़ा सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है और ये आंकड़े 40 करोड़ से ज्यादा है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण दर कम हो रहा है। पिछले करीब 10 दिनों से संक्रमण दर में गिरावट जारी है। इस बीच विदेशी मीडिया की रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी देश में संक्रमण और मौतों के सही आंकड़े सामने नहीं आ रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में 3 संभावित अनुमान बताए। इनमें पहला संभावित अनुमान, हर संभव कटौती के बाद संभावित संक्रमितों की संख्या 40 करोड़ 42 लाख हो सकती है, जबकि संभावित मौतों का आंकड़ा 6 लाख होगा। रिपोर्ट के मुताबिक वहीं अगर और अधिक संभावित स्थिति की बात करें तो संभावित संक्रमितों का आंकड़ा 53 करोड़ 9 हजार होगा, जबकि मौतों का आंकड़ा 16 लाख होगा। इस रिपोर्ट में भारत सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए गए 24 मई के आंकड़ों को आधार बनाया गया है। इनमें कुल मामलों की संख्या 2 करोड़ 69 लाख बताई जा रही थी, जबकि मौतों की संख्या 3 लाख 7 हजार के करीब। पिछले सप्ताह WHO की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया कि दुनिया भर में कोरोना से हुई मौतों का असल आंकड़ा दर्ज किए गए आंकड़ों से 2 से 3 गुना ज्यादा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में इस रिपोर्ट को आधार बनाया गया। भारत में सरकारी मौतों का आंकड़ा असल आंकड़ों से कम इसलिए भी है क्योंकि कई कोरोना के मरीज ऐसे थे जिन्होंने होम आइसोलेशन में या एम्बुलेंस में दम तोड़ा, इसके चलते उनकी गिनती सरकारी आंकड़ों में नहीं हो पाई। वहीं एमओडी यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट कोयोको शिहोदा के मुताबिक इसके अलावा परिवार वालों की ओर से जानकारी न मिलना और रिकॉर्ड रखने में लापरवाही बरतना इसका एक कारण बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में हुई मौतें भी सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं है। यही स्थिति संक्रमित के मामलों को लेकर भी थी, जिससे आंकड़ों में अंतर देखा जा रहा है। एक दर्जन से ज्यादा एक्सपर्ट्स की सलाह से 3 अनुमानों पर रिपोर्ट बनाई गई है। इस रिपोर्ट में भारत सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए 24 मई के आंकड़ों को आधार बनाया गया। अगर ये विदेशी मीडिया के आंकड़े सही हैं, तो स्थिति बेहद गंभीर है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।